करीब दो महीने पहले एक युवती का अपहरण करने के साथ ही दुष्कर्म करने अपहरण करने और देह व्यापार जैसे अनैतिक कार्य के मामले में पुलिस ने महिला सहित सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दो महीने करीब पुराना बताया जा रहा है। करैया खेड़ा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उनके हत्थे ढलकपुरा निवासी सुनीता वंशकार नामक महिला लगी, जिससे पूछताछ पर तीन अन्य आरोपियों द्वारा युवती के अपहरण करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि शहर के तीन जाने माने लोग, जिनमें वकील और दो व्यापारी भी शामिल हैं, जिनके नाम अपहरण और बलात्कार में सामने आए हैं। महिला के बताए अनुसार एडवोकेट जीवन सेन, ऋषि कुमार गुप्ता और राजू नरवरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला सहित लोगों पर युवती को गलत धंधे में जबरन डालने का आरोप भी लगाया है। केवल इतना बताओ कि नाबालिग युवती की तरफ से शिकायत आई थी, एक बलात्कार का मामला था, उसमें कुछ आरोपी पकड़े गए, क्या केस था, क्या अभी स्थिति बनी? दिनांक 3/10/18 को करियाखेड़ा रोड से थाने पे एक रिपोर्ट हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची के लिए कुछ व्यक्तियों के कुछ किसी के द्वारा अपराध अपहरण किया गया है। इस वजह से धारा 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक महिला आरोपी एवं तीन पुरुष जीवन सेन, एडवोकेट जीवन सेन, देवीलाल निवासी पूरनपुरा, ऋषि कुमार, राजेश गुप्ता निवासी पठारी हवेली एवं राजू नरवरिया निवासी अरियंत विहार कॉलोनी को इस प्रकरण में अपराध में गिरफ्तार किया गया है। चूँकि नाबालिग के साथ में उन्होंने बलात्कार किया था, तो उसमें धारा 370, 376, 2G और 3/4 501 का इजाफा किया गया है। सर अभी एक आरोपी ले गया था, अभी आरोपी सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नहीं, कल जी साहब आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी, आज उसको पेश गया है। ये उसको कल गिरफ्तार करके और विवेचना पूर्ण करके उसको न्यायालय आज पेश किया गया। क्या नाम है जो कल पेश किया? जीवन सेन, देवीलाल सेन एडवोकेट हैं, पूरनपुरा विदिशा के रहने वाले हैं।